आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा निकात अमरोही से गुजारिश कर रहा हूं। निकात अमरोही, मैं उनसे गुजारिश करता हूं जल्दी से आए। हाजरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। जितेंद्र ओहार साहब और शबीम भाई और अराकीन कमेटी के सभी मेम्बरान की शुक्रगुजार हूँ, उनका हुक्म मेरी आपके दयार में एक बार फिर हाजिरी। मोबाइल के हवाले से काफ़ी बात हुई, एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद गज़ल का एक मतलब एक शेर पढ़ के उसके बाद आप सभी की जहमतें तमाम समाप्त कीजिएगा। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले और तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। क्या कहना? और यहां से निकात ऐसे ही एक कथा और सुना दो, बस उतने में काम चला लेंगे आज। एक मतलब हाँ। एक शेर नदीम भाई हाँ, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। नई गजल का एक मतलब एक शेर पढ़ के आप सभी की जहमत है तमाम। मुझे पता है कि इख्तिसार से काम लेना है, फहरिस्त काफी तवील है, पढ़ती हूँ सुनिएगा। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, 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 फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती, फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती। और अहले इल्म का मजमा है, सिर्फ और सिर्फ मक्ता पढ़ती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, समाप्त कीजिएगा। कैसे मैं छोड़ दूँ माँ बाप की खिदमत नकहत, क्या कहना? कैसे मैं छोड़ दूँ माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूँ माँ बाप की खिदमत नकहत, अपनी जन्नत को मैं बेकार नहीं कर सकती। वाह, बहुत शुक्रिया निकात अमरोही साहब।